शिवांशी और आप देख रहे हैं मुद्दा लाइव। गोरखपुर में शास्त्री चौक चौराहे पर सामाजिक आर्थिक एवं राष्ट्रवादी विचारधारा युक्त संगठन द्वारा युवा जन कल्याण समिति द्वारा संचालित भारतीय युवा जन कल्याण ने प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्जित कर उनको नमन किया। साथ ही कहा कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के चिंतक उपाध्याय आर्थिक नीति के रचनाकार थे। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भारतीय युवा जन कल्याण समिति गोरखपुर के तत्वाधान में आज दिनांक 25 सितंबर दिन शुक्रवार को गोलघर स्थित शास्त्री चौक चौराहे पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का नेतृत्व संगठन संचालक व प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे द्वारा किया गया तथा संचालन निखिल गुप्ता के संचालन में हुआ। इसी दौरान सर्वप्रथम प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण व पुष्प अर्जित कर तिलक चंदन लगाकर धूप प्रज्वलित किए। साथ ही उपस्थित संगठन के पदाधिकारियों ने पुष्प अर्पण कर उनको नमन किए। संगठन संचालक कुलदीप पांडे ने दीनदयाल की कृतियों को स्मरण करते हुए कहा कि दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के राष्ट्र जीवन दर्शन के निर्माता माने जाते हैं। उनका उद्देश्य स्वतंत्रता की पूर्ण रचना के प्रयासों के लिए विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना था। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युग अनुकूल रूप से प्रस्तुत करते हुए एकात्म मानववाद की विचारधारा दी। उन्हें जनसंघ की आर्थिक नीति का रचनाकार माना जाता है। उनका विचार था कि आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य सामान्य मानव का सुख है। संस्कृति निष्ठा उपाध्याय के द्वारा निर्मित राजनैतिक जीवन दर्शन का पहला सूत्र है। दीनदयाल का कहना था कि भारत में रहने वाला और इसके प्रति ममता की भावना रखने वाला मानव समूह एक जन है। आज यहाँ शास्त्री चौक चौराहे पे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती पे हम सभी भारतीय युवा जन कल्याण समिति के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बंधु इकट्ठा हुए हैं और प्रत्येक वर्ष की बात इस वर्ष भी हम लोग जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती समारोह जो है बड़ी धूमधाम से ही मनाए हैं। और इस दौरान हम लोगों ने सर्वप्रथम जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के प्रतिमा पे पुष्पार्पण किए हैं, माल्यार्पण किए हैं, साथ ही साथ तिलक चंदन लगा करके धूप दीप प्रज्वलित करके हम लोगों ने उनका जो है पूजन अर्चन किए हैं और निवेदन किए हैं। जैसे कि सब लोग जानते हैं कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो है जनसंघ के राष्ट्र जीवन दर्शन के निर्माता माने जाते हैं और उनका उद्देश्य यही रहा कि वो भारत के पुनर्रचना के लिए एक तरह से काफ़ी अग्रेसी जो है एक जनसंघ के कार्यकर्ता रहे और वो एक तरह से जो है एकात्म विचारधारा के जो कहा जाता है कि विचारधारा पूर्व जो है आर्थिक नीतियों का रचनाकार माने जाते हैं। और उनका जो है विचारधारा था कि आर्थिक विकास का वह उद्देश्य जो समाज को एक दिशा में लेके जाएगा और उनकी ये प्रेरणाएँ जो है बहुत ही वो थी प्रेरणादायक थी जो हम लोगों की जो है हम लोगों की लिए काफ़ी सीखी थी। जैसे उनका देखा कि एक संस्कृति जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन में काफ़ी एक राजनीतिक जीवन का भी काफ़ी जीवन दर्शन पहला विचार रहा जो उनका पहला सूत्र रहा कि भारत में रहने और रहने वाला और इनके प्रति मानवत की भावना रखने वाला मानव समूह जन जन है। उनकी जीवन प्रणाली जो है कला साहित्य दर्शन भारतीय संस्कृति की तरफ काफ़ी अग्रेसिव रहा है और आज उनके जयंती पर हम लोग कोटि कोटि नमन करते हैं और उनको श्रद्धा सुमन दे रहे हैं। मैं कुलदीप पांडे भारतीय कल्याण समिति का संचालक एवं अध्यक्ष। जय हिंद, जय भारत। सवालों के दिल से घिरे आपको चाहिए जवाब तो देखिए हमारे साथ मुद्दा लाइव पर हम नहीं बोलेंगे।